हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरु जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इम्यूनोग्लोबुलिन जो IgG से क्वेश्चन निकल के आते हैं, बच्चे हमेशा उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 पेपर का मैंने रिव्यू किया तो यही पाया कि बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं एक ही टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं और ट्रिक्स से मैं आपको याद करवाऊंगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन कितने होते हैं और कैसे ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं और कौन सा कम होता है, सारे ट्रिक के साथ याद करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही अपकमिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होते हैं। तो मैं आगे अब वीडियो लंबी नहीं बने, इसलिए ओनली मैं इम्यूनोग्लोबुलिन को IgG से इंडिकेट करूंगा, ठीक है। चलिए, IgG ऑल्सो नोन एज ए एंटीबॉडी। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही निकल के आता है कि IgG एक तरह से क्या है। तो IgG एक तरह की बॉडी की एंटीबॉडी है, ठीक है। कोई बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जो बनते हैं एंटीबॉडी बनते हैं, हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन याद हो गया कि IgG एक तरह से क्या है, तो क्या है, एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही पूछ लिया जाता है, आर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपको करके आना है, ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर एलिमेंट ही पूछ लिया जाए कि एक तरह से होता क्या है, एंटीबॉडी ऑप्शन में नहीं है, कुछ यानी कि एलिमेंट्स दे दिए, प्रोटीन दे दिया, फैट दे दिया, तो आपको करके आना है प्रोटीन। दो क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं। प्रोड्यूस बाई प्लाज्मा सेल, अब कौन से सेल इनको प्रोड्यूस करती है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको करके आना है प्लाज्मा सेल इसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और जो प्लाज्मा सेल्स होती है वो क्या होती है, WBC की सेल्स होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसको प्रोड्यूस कौन करता है, WBC और प्लाज्मा सेल। तो तीन क्वेश्चन ही आपके सामने आ गए, तो तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे मैं आपको कुछ ट्रिक्स याद करवाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको याद नाम नहीं होते कि कौन कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, तो वो मैं ट्रिक से बताता हूँ, अभी आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको, आप स्पोर्ट्स के पर्सन हो तो आपको गेम बहुत ज़्यादा खेलना पसंद है, तो आपको याद रखना है गेम की स्पेलिंग GAME, IgG, IgA, IgM, IgE, और उसकी फुल फॉर्म बनाने के लिए, थर्ड फॉर्म करने के लिए ऐसे याद रख लीजिए, D लगा दीजिए। D का ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं है, तो फिर भी आप D लगा के याद रख लीजिए कि 5 है, कौन सा गेम की स्पेलिंग याद रखनी है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। चलिए, ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, अगर इनके सारे नाम आपको याद करने हैं। आगे कुछ और बता देता हूँ मैं आपको कि इसकी जो क्वांटिटी में होती है, कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कौन सा कम मात्रा में होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, स्पेलिंग कैसे याद रखनी है, गेम से तो आपको याद रखना है क्या, इसके नाम, ठीक है। अब आपको एक और ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको पता लगता है कि मैक्सिमम कौन सा होता है क्वांटिटी और मिनिमम कौन सा होता है, तो आपको हिंदी में याद रखना है क्या, गम दे, ठीक है। तो अगर इसकी स्पेलिंग में बनाऊँ तो GAMDE, समझ में आया बच्चों, गम दे, तो GAMDE स्पेशल आपके लिए बनाइए ये ट्रिक, क्योंकि बहुत बार पूछा जा सकता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा कम होता है। अब कितना कम होता है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, बट यही ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन होता है, तो आपको ये याद रखना है कि गम देता है कौन एंटीबॉडी। अब सबसे ज़्यादा गम कौन देता है, GAMDE, ये सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम। तो ये ट्रिक दोनों याद रखनी है, गेम और गम दे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नंबर का देख लेते हैं, इसके अंदर से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं। फर्स्ट नंबर का IgG देख लेंगे, ठीक है। कंप्राइज यानी कि 85% टोटल जितने भी एंटीबॉडी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन 5 होते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर होता है तो कौन सा होता है,
जी होता है। ठीक है, अब आगे बताऊं, ऑफ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिंस लार्ज लार्ज सॉरी लार्जली होता है, एक्स्ट्रा वास्कुलर होता है। ठीक है, लार्ज होता है, सबसे बड़ा यही होता है। ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिंस क्रॉस द प्लेसेंटा, इसके अंदर आईजी के अंदर से आज तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि प्लेसेंटा जो बैरियर होती है उसको कौन सा आईजी क्रॉस कर जाता है। तो आपको गड़ा गड़ा के याद रखना है कि आईजीजी इसको क्रॉस कर जाता है। जी फोर गेस्टेशन, जी फोर आपको क्या याद रखना है, गेस्टेशन। और गेस्टेशन क्या होता है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है 9 महीने का टाइम, उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो जी फोर गेस्टेशन आपको याद रखना है। ठीक है, गेस्टेशन के अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का क्रॉस कौन कर जाता है, आईजीजी। ठीक है, और ये सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में गम दे, मैंने समझा दिया आपको, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर क्वांटिटी याद रखना चाहते हो तो आप याद रख सकते हो, 85% टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिंस इट इज स्मॉलेस्ट। अब ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि होता तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये है, बट सबसे छोटा होता है। समझ में आया फ्रेंड्स, कि क्वांटिटी में सबसे बड़ा और साइज में सबसे छोटा। तो आपको ये याद रखना, एक्स्ट्रा वस्कुलर मैंने बोला था, लास्टली नहीं बोला था कि सबसे बड़ा नहीं होता है। वस्कुलर यानी कि वेसल्स वाला सिस्टम बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, जी। और गेस्टेशन से याद रख लिया, गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड के क्या अंदर क्या होती है, प्लेसेंटा। और तो प्लेसेंटा क्रॉस कौन कर जाता है, आईजीजी। तो इसके अंदर से यही क्वेश्चन पूछा जाता है आज तक, जो आज तक पूछा गया है। आगे देख लेते हैं आईजीए। अब देख लीजिए गमदे के हिसाब से ये आ गया 15%। अगर 15% याद रखना तो ठीक है, ताकि अगर नंबरिंग में पूछ लिया जाता है तो गमदे समझाया था जी ए सेकेंड नंबर पे यही पाया जाता है, टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिंस। अब इसके अंदर से क्वेश्चन क्या आता है बार बार से, वही मैं आपको समझा देता हूँ। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कहाँ पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और कहाँ पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, एज वेल एज सलाइवा टीयर्स ब्रेस्ट मिल्क। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आया है आईजीई का, ठीक है, तो आया है ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ उसको याद करने की, तो आपको बताता हूँ। आईजी क्या होता है, ए, यानी कि क्या होता है, आईजी सबसे पहले आता है, आईजी ए की बात करूँ तो ए सबसे पहले आता है एबीसीडी के अंदर, यानी कि फर्स्ट। ठीक है, कुछ समझ में आया, फर्स्ट। और ये जो कोलेस्ट्रम है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जो पहला मिल्क आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। तो वो भी फर्स्ट मिल्क हुआ, और ए सबसे पहले आता है एबीसीडी में, तो वो भी फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट से याद रखना है कि सबसे पहले कौन सा मिल्क आता है, कोलेस्ट्रम। और सबसे पहले जो अल्फा आता है आईजीए, तो ए किसके अंदर है, एबीसीडी के अंदर, सबसे पहले फर्स्ट है, और कोलेस्ट्रम भी सबसे फर्स्ट आता है। तो आपको याद रख लेना है आईजीए के अंदर, आईजीए कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट मिल्क कोलेस्ट्रम के अंदर, एज वेल एज बॉडी के जितने भी फ्लूड है, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लाइवा, टीयर्स, इनमें सब में क्या होता है, आईजीए। याद रखने का तरीका, एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो दो बार देख लेना, बट जरूर समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। आगे देख लेते हैं आईजीएम, आईजी गम, तो जी ए एम, वो सबसे याद रखना 85%, फिर 15%, फिर 10%, ये भी याद रखने का तरीका अच्छा है। आईजीएम कितना होता है, 10%। अब मैं आपको बताऊं एम, आईजीएम को याद रखने का तरीका है M4 मेगा, और मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा साइज में। आ गया कुछ समझ में, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेगा, मेगायांस बड़ा, लार्ज। तो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिंस कौन सा होता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन,
कि मेगा साइज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट अटैक अगेंस्ट इन्फेक्शन। अरे जो घर में बड़ा होगा वो अगर घर के अंदर लड़ाई होगी तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है? IgM, M फॉर मेगा। मेगा क्या होता है? साइज में सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा क्या करता है? सबसे पहले लड़ने के लिए आता है। समझ में आई कुछ बात? तो ये अटैक, फर्स्ट अटैक कौन करता है? कोई भी इन्फेक्शन होता बॉडी के अंदर, IgM सबसे बड़ा होता है। और लेवल मैंने आपको याद रखा दिया कि 10% होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक ठोक दें। दिस इज द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी। अब बड़ा है तो घर में जो मम्मी होती है, पापा होते हैं, वो कॉमन ही होते हैं। तो कॉमन आपको याद रखना, इट्स ए कॉमन, इट इज अ ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन IgG टैग। ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। जो एग्जाम पूछा गया वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको भी याद करेंगे ट्रिक से, देखते जाओ वीडियो। कंसेंट्रेटर इन म्यूकस टिश्यूज रेस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट एलर्जिक एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। क्वेश्चन तो यही आता है बार बार एग्जाम के अंदर कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर रिएक्शन हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गई, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिव होता है? तो क्या होता है? ई। अब ई से याद रखना कि हम जब कम पढ़ते लिखते थे तो हम क्या बोलते थे? एलर्जी बोलते थे, एलर्जी, एलर्जी क्या बोलते थे? एलर्जी को एलर्जी बोलते थे। तो ई से स्पेलिंग चालू गई, याद रखना कि ई फॉर एलर्जी, ई फॉर एलर्जी। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हम क्या बोलते हैं? IgE भाई साहब उसमें काम आता है, समझ गए? एलर्जी, तो ई, यही क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पे बार बार मैं फोकस करके आपको शो कर रहा हूं। तो एलर्जी होती है, एलर्जी छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, तो वो सबसे कम अमाउंट में होती है, ठीक है? तो इस तरह से याद रखना कि स्मॉल अमाउंट होता है। लास्ट देख लेते हैं IgD। इसका भैया कोई काम नहीं होता, ये एक्सेप्शन होता है। एग्जैक्ट फंक्शन नॉट नो, इसके कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है। ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसका कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है, तो क्या है? IgD। और अगर कुछ इम्पोर्टेंट की बात करूँ कि कुछ माना जा सकता है कि हाँ ये तो करता है, तो करता है IgD। क्या करता है? डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, तो डिफ्रेंशिएट करता है किसको? बी लिम्फोसाइट्स को। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय फ्रेंड्स।